Hello friends, welcome to Unique Universal YouTube channel. Today is my topic, Rule of Trial Balance. I am about to tell you about trial balance. Who are student of commerce? Unke paas accounts bhi hogi, theek hai, 11th, 12th ya after 12th, first year, second year, third year, theek hai. 11th, 12th mein to ye trial balance wala jo question hai, bahut important hota hai. और बोर्ड के एग्ज़ाम में आता ही आता है, ठीक है. तो इसके लिए स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करनी होती है. डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट में क्या आता है ट्रायल बैलेंस के, इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक है. तो आपको इनके आइटम्स जो भी क्रेडिट में आते हैं और डेबिट साइड में आते हैं, उनको आपको जानना बहुत नेसेसरी है. लेकिन इसके लिए अकाउंट्स के तीन रूल हैं, ठीक है. तीन रूल्स का आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिनको गोल्डन रूल्स के नाम से भी जाना जाता है. तो दीज आर थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स. फर्स्ट वन इज़ देर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. इनमें तीनों में डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन होता है. डेबिट जो हमारा पर्सनल अकाउंट है फर्स्ट, इन रूल्स को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा अकाउंट्स इन रूल्स के बेस पे ही चलता है. तो सबसे पहले आपको ये तीन रूल्स अपने माइंड में बैठाने ही पड़ेंगे, ठीक है. तो ये जो तीन गोल्डन रूल्स हैं, पहला आता है द पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट में डेबिट में द रिसीवर आता है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं प्राप्तकर्ता, ठीक है, जो रिसीव करता है. क्रेडिट में क्रेडिट इज गिवर, क्रेडिट यानी कि जो देता है, ठीक है. सेकंड जो अकाउंट है वो है द रियल अकाउंट, यानी वास्तविक अकाउंट. इसके डेबिट में व्हाट कम्स इन, क्या आता है, जो आएगा, व्हाट कम्स इन. एंड क्रेडिट में आएगा व्हाट गोज आउट, क्रेडिट यानी कि जो जाएगा, ठीक है, व्हाट गोज आउट. थर्ड है नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट के डेबिट में ऑल एक्सपेंसेस आर इंक्लूड, जितने भी खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो डेबिट में आएंगे नॉमिनल अकाउंट के, और लॉस भी नॉमिनल अकाउंट के आएंगे, ठीक है, डेबिट में. और क्रेडिट में ऑल इनकम एंड गेंस, ऑल जितनी भी इनकम होगी, प्रॉफिट होगा, गेन होगा, लाभ होगा, और जो भी इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट, ये सब आएगा क्रेडिट में नॉमिनल अकाउंट के, ठीक है. तो ये जो गोल्डन रूल्स हैं, सबसे पहले आई एम गिविंग यू एडवाइस, फर्स्टली यू हैव टू लर्न दीज थ्री गोल्डन रूल्स, ओके. देन आफ्टर दिस यू आप जो है अकाउंट्स को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं उसके. बेसिकली यहाँ पे तो मैं आपको ट्रायल बैलेंस की बात बता रही हूँ, क्वेश्चन बता रही हूँ कि उसके डेबिट में और क्रेडिट में क्या आता है. तो स्टूडेंट्स, ये जो है ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है. एज यू नो, ये एसेट्स, यहाँ पे हम एसेट्स लिखते हैं, एसेट्स एक्सपेंसेस, और इस साइड यानी क्रेडिट साइड में हम लाइबिलिटीज लिखते हैं. एसेट्स मतलब क्या होता है, संपत्ति, ठीक है. और लाइबिलिटीज़ क्या होती है, जो कि हमें देना होता है. लाइबिलिटीज़ को हिंदी में कहते हैं दायित्व, जो हमें लाइबिलिटीज़ यानी इनकम एंड गेन, ठीक है. समझ गए, एसेट्स में एक्सपेंसेस आएंगे, जितने भी खर्चे होंगे, और लाइबिलिटीज़ में इनकम और गेन, जितना भी इनकम और गेन होगा वो लाइबिलिटीज़ में आएगा, ठीक है. जैसे कि आपके सेविंग अकाउंट भी होंगे तो उसमें आप डेबिट और क्रेडिट के ट्रांजेक्शन देखकर पता कर सकते हैं कि आप अमाउंट मेरे अकाउंट से डेबिट हुआ है और कितना अमाउंट मेरे अकाउंट से क्रेडिट हुआ है, ठीक है. तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ, जो लायबिलिटी साइड है यानी कि क्रेडिट साइड है ट्रायल अकाउंट का, ट्रायल बैलेंस का, तो इसमें क्रेडिट 10 आइटम्स आएंगे आपके, ठीक है. क्रेडिट साइड में आपके 10 आइटम्स आएंगे. अगर आप इनको माइंड में रख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा. बाकी अमाउंट वगैरह की कैलकुलेशन तो आपको खुद ही करनी पड़ेंगी, लेकिन जस्ट मैं यहाँ पे आपको सिर्फ आइटम्स बता रही हूँ, ताकि आपका आपके माइंड में रहे कि ये आइटम्स क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में आते हैं.
उसके बाद उनके आगे आप अमाउंट लिख कर जो भी डिडक्शन है, जो भी माइनस है प्लस है, वो आप खुद कर सकते हैं, खुद ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रेडिट आइटम्स में फर्स्ट जो है वो है कैपिटल। कैपिटल यानी कि पूंजी। कैपिटल आपका कहाँ आएगा? ट्रायल बैलेंस के लायबिलिटी साइड, क्रेडिट साइड में आपका कैपिटल आएगा। सेकेंड नंबर पे आपका आएगा सेल्स। चाहे तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ये 10 चीज़ें आपके माइंड में रहे। फर्स्ट आपका कैपिटल आएगा, सेकेंड आपका सेल्स आएगा, थर्ड आपका आएगा परचेज रिटर्न, ठीक है, परचेज रिटर्न, और इसको आप रिटर्न आउटवर्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। फोर्थ है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा इसके क्रेडिट साइड में, ट्रायल बैलेंस के। फिफ्थ है आपका बैंक लोन। बैंक लोन आपका कहाँ आएगा? ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में। सिक्स्थ है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा आपके क्रेडिट साइड में। एट्थ है एनी आउटस्टैंडिंग, दैट इज सैलरी आउटस्टैंडिंग, जितनी भी बकाया सैलरी होगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी, वो आपकी आएगी लायबिलिटी साइड में, क्रेडिट साइड में, ट्रायल बैलेंस के। नौवा है आपका एनी रिसिप्ट, रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड, ठीक है, ये सब आपकी इनकम है। रेंट रिसीव्ड होता है तो ये भी आपकी इनकम है। कोई आपको इंटरेस्ट ब्याज रिसीव होता है, प्राप्त करते हो आप ब्याज को, तो वो भी आपका क्या है, वो भी आपका इनकम और गेन है, ठीक है। और टेंथ आपका है एनी फंड रिजर्व प्रोविज़न, किसी भी टाइप का फंड रिजर्व और प्रोविज़न, जो ये कहाँ आएगा आपका क्रेडिट साइड में, लायबिलिटी साइड में, ओके। इसके लिए आप जो है, आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दिया होता है। ओपनिंग स्टॉक आप किसे कहेंगे और क्लोजिंग स्टॉक आप किसे कहेंगे? ओपनिंग स्टॉक यानी ओपनिंग डेट, क्लोजिंग स्टॉक जो कि 31st इस तरीके से दी होगी, यानी कि ये होगा आपका ओपनिंग स्टॉक, यानी कि जैसे कि आप लगा लीजिए इसको 01/01/2019, ठीक है, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा, ये आपका क्लोजिंग 31/03/20, ठीक है। आपका जो है क्लोजिंग स्टॉक की डेट क्या है? 31st, जो कि आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक की डेट क्या होती है और ओपनिंग स्टॉक की क्या डेट होती है। तो इस चीज़ में ना उलझे, आपको जहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखना होगा वहाँ पे ओपनिंग लिखें, और जहाँ पे आपको क्लोजिंग लिखना होगा वहाँ पे क्लोजिंग लिखें। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट इन ट्रायल बैलेंस। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। कुछ स्पेशल कंडीशन होती है जब ये इन्वॉल्व होता है। इफ़ परचेज एडजस्ट, अगर आपको परचेज एडजस्ट करनी पड़ेगी, जब आपको ये दिया रहेगा परचेज एडजस्ट, तब आपको क्या करना है, अपना क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग जितना भी बैलेंस आएगा वो आपको ऐड करना है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में, समझ गए। वैसे इसमें जो है ये स्टॉक इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन ये क्लोजिंग बैलेंस तभी प्लस होगा, ऐड होगा, जब आपका परचेज एडजस्ट दिया हो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, दीज 10 पॉइंट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू कीप इन योर माइंड। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबा दें। आगे मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।